बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए यह इंडियन पॉलिटिक्स की टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस सीरीज के सभी वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं बच्चों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पंचशील सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो किस व्यक्ति के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए थे? तो वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वह लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द पंचशील सिद्धांत का भाग है? तो पहला शब्द है गैर आक्रामकता, दूसरा शब्द है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तीसरा है आंतरिक हस्तक्षेप, यानी कि किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। तो यह तीनों ही पंचशील सिद्धांत के भाग हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। पंचशील सिद्धांत बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 5 सिद्धांत दिए गए थे उनमें से पहला था संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, यानी प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा यह था कि आपसी गैर आक्रामकता होनी चाहिए, यानी कि किसी देश के द्वारा दूसरे देश में आक्रमण नहीं किया जाएगा। तीसरा सिद्धांत यह है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, यानी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई देश। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ, एक दूसरे का दोनों सम्मान करेंगे देश और एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करेंगे। अंतिम पांचवा जो पंचशील सिद्धांत का भाग था वह था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांति के साथ एक दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देना। तो यह पंचशील सिद्धांत जो 5 सिद्धांत थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो भारत के संविधान में विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य की अधिकतम विधानसभा सीट 500 से ऊपर नहीं हो सकती है। भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 403। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पश्चात राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। उनमें से आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? तो वह भारत का राजस्थान राज्य था जिसने सर्वप्रथम अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा से लगता हुआ राज्य है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो प्रत्येक राज्य में संविधान ने विधानसभा निर्धारित किया है। उसके साथ साथ भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी दूसरे सदन के रूप में है, और यदि विधान परिषद का निर्माण करना है या उसकी समाप्ति करना है तो उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में है। दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और प्रत्येक अनुसूची में किसी प्रावधान के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो जो दल बदल कानून है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में है, और मूलतः संविधान में 10वीं अनुसूची नहीं थी, यह भारत के संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो पहला कथन है निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, तो यह सत्य कथन है। नीति निर्देशक तत्व भाग चार में उल्लेखित हैं, यह भी सत्य कथन है। तीसरा कथन है इनका मुख्य उद्देश्य पुलिस राज्य की स्थापना करना है, तो यह असत्य कथन है। इनका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और यह गैर न्यायोचित है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत नहीं की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय यह है कि राज्य नीतियां एवं कानून को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे और ये संवैधानिक, विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों के लिए एक सिफारिश है। यह बाध्य नहीं है भारत सरकार के ऊपर की नीतियां बनाते समय इनको नीतियों में शामिल किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ना कि औपनिवेशिक काल के पुलिस राज्य की स्थापना। जो भारत में ब्रिटिश काल था वह एक तरह से पुलिस राज्य था और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वह गैर न्यायोचित है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का यदि उल्लंघन होता है तो उनके लिए न्यायालय में शिकायत नहीं की जा सकती। वहीं पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस तरह से मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह गैर न्यायोचित हैं। इनका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वहीं पर मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वह भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भारत के संविधान के भाग चार में उल्लेखित हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से पढ़िए ताकि आप एग्जाम में प्रश्न हल कर पाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है और आपको बताना है कि वह तीन भाग कौन से हैं। तो पहला यह है कि सामाजिक सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। यह तीनों ही भागों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विभाजित किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। बच्चों भारत के संविधान में कहीं पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों को इन तीन भागों में विभाजित किया गया, किंतु हम अपनी सुविधा और उनकी प्रकृति के आधार पर इनको तीन भागों में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारत में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है वह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। तो पहला है संसाधनों का संवितरण, यानी भारत के जो संसाधन हैं उनमें लोगों में समान वितरण होना चाहिए। दूसरा है धन के संकेंद्रण को रोकना, यानी एक या कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण ना हो। तीसरा है कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति। तो इस तरह से यह तीनों ही तत्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो भारत में एक कार्य के लिए यदि कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है उसको समान वेतन दिया जाएगा। यह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा तत्व है जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उनकी प्रकृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। उनमें से गांधीवादी जो सिद्धांत है उनका उनमें से पंचायतों का गठन करना, कुटीर उद्योगों की स्थापना करना और सहकारी समितियों का गठन, यह तीनों ही सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गांधी ने, महात्मा गांधी जो कि भारत के, गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, स्व सरकार की स्थापना करना, यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, यह अनुच्छेद 43 में इसका प्रावधान है।
तीसरा है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन तथा प्रबंधन को बढ़ावा देना, यह संविधान के अनुच्छेद 43 बी में इसका प्रावधान किया गया। और चौथा है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करना। तो यह गांधीवादी सिद्धांत हैं, महात्मा गांधी के प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें से पंचायतों का गठन, यानी भारत में, भारत गाँव में बसता है इस वजह से ग्रामीण उत्थान उनका प्रमुख उद्देश्य था। और कुछ जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उनमें से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं जैसे कि मदिरा, ड्रग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, यह संविधान के अनुच्छेद 47 में इसका प्रावधान है। गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में उल्लेख है। इस तरह से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो कि गांधीवादी सिद्धांत प्रकृति के हैं। अगले प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। तो भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो इसको एक अधिकार है वो संसद को दिया गया है। और राज्यसभा तथा लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुच्छेद 368 के तहत पारित कर संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है। तो बच्चों भारत का संविधान जब संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जा रहा था तो उस समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था और उनमें से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था। तो यह प्लूटो के द्वारा कथन दिया गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारत की जो आत्मा है वह गाँव में बसती है। और इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। यदि आप गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो यह जो सिद्धांत हैं उनमें भारत की आत्मा गाँव में बसती है इसकी झलक आपको मिल सकती है। फांसीवाद राजनीतिक सिद्धांत किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो फांसीवाद का जो राजनीतिक सिद्धांत हुआ है इटली में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ था। तो वह नाजीवाद का उदय यूरोप के जर्मनी में हुआ था और यूरोप की जो जर्मनी देश है उसकी राजधानी बर्लिन है। उसके साथ साथ हिटलर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख व्यक्ति था वह जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली किस देश की व्यवस्था से अपनाई गई है। तो हमने पिछले ही प्रश्न में चर्चा किया था कि भारतीय संविधान जब संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया तो प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन कर भारतीय संविधान का निर्माण किया है और प्रमुख तत्वों को विभिन्न देशों से शामिल किया है। उनमें से यह प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। जैसा कि भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में जो सूचियां बनाई गई हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनसे स्पष्ट शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच किया गया है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं और संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या तथा केंद्रीय सरकार के रूप में जाना जाता है। वहीं पर देखा जाए तो क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। यदि आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में जो संघ की सरकार है उसको केंद्र सरकार कहा जाता है तथा राज्यों की सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था है, उसमें से स्थानीय सरकार का भी प्रावधान है जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो बच्चों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से अंगीकृत किया गया है और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है किस समय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार 7वां अधिकार था वह
अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल कैबिनेट की सलाह पर ही घोषित किया जाता है और उसमें प्रधानमंत्री की सलाह प्रमुख होती है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सी संस्था हल करती है? तो यदि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई विवाद है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। बच्चों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं। तो इसमें निर्वाचित जो नामांकित सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो वर्तमान में जो भारत की महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको इस टेस्ट सीरीज के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं